ओए हाथ नहीं छोड़ो, लग जाएगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज का दिन बहुत ही सुहाना है। दोपहर के 12 बज रहे हैं और 24 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त, यानी बहुत ही अच्छा वेदर है मुंबई के लिए। ऐसा रेयर होता है पर मज़ा आता है। तो संडे है, नाश्ता पानी तो हो चुका है और संडे होता है नॉनवेज डे, यानी नॉनवेज ज़रूर बनता है। तो चिकन कुक कर रही हूँ और लगता है बाबू आ गया। तेरा एक अभी बज रहा है। हाँ, तूने कहा था 1 बजे आ जाएगा। हाँ, तो आया ना 1 बजे। ये बंदा 1 बजे बोल के 1:30 बजे आ रहा है। 1 और 1:30 में कुछ फर्क होता है? 30 मिनट लेट। 30 मिनट बहुत होता है। क्या है खाने में? नहाया धोया नहीं, खाने ही पूछ रहा है। जल्दी नहा लो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस सज्जन को यही तकलीफ है कि टाइम निकला जा रहा है। टाइम पे काम करो ना। एक डायलॉग सीख लिया, ये सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। नालायक। मैं दिखाऊंगी बाबू का बर्थडे गिफ्ट जो बाबू को बहुत पसंद है। तो वहां से बात कर रहे हो? चलो ले आओ, तुम्हारी साइकिल दिखाते हैं। ये आया बाबू। ओए हाथ नहीं छोड़ो, लग जाएगी। रुक जा। हाँ बाबू, कैसी है तेरी साइकिल? मस्त। क्या स्पेशल है तेरी साइकिल में बता। छटाओ बाबू, मास्क हटाओ। अरे तो यहाँ कौन है, हम दोनों अकेले ही है ना? नहीं करो ना। कितने गियर की साइकिल है? 24। कितना? 24। वाह, ये गियर कहाँ है तेरा, दिखाएगा मेरे को? मम्मी को तो मालूम ही नहीं, इसको गियर बोलते हैं? वो नहीं, उसके आगे वाला। ये तू हाथ दिखा ना, तू वहाँ दिखा। अच्छा, 21 गियर। सारे गियर लगते हैं कि बस ऐसे ही रखे? लगते। अच्छा, कितने दिन रहेगी ये साइकिल सुरक्षित? क्योंकि साइकिल में तो बॉटल भी है। और क्या है खास? शॉकअप का लॉक है। शॉकअप कहाँ है? ये क्या होता है? शॉकअप लॉक। लॉक क्या होता है उसे? उसे क्या होता है? से मतलब अगर खड्डे वड्डे आएंगे तो उसके लिए। खड्डे में वो जंप नहीं करेगी? अरे वाह। अगर ऑन कर देंगे तो जंप नहीं करेगी, ऑफ कर देंगे तो बहुत उछलेगी। ओहो, तो बाबू की साइकिल तो बड़ी जानदार है, बड़े कुछ फीचर्स हैं। अब ये साइकिल प्रेमियों को ही पता होगा। कितना गियर बताया बाबू? 24। चल एक बार जरा चक्कर मार के दिखाते। बाबू की सवारी चली पम पम। वही आजा भाई। आराम से गिर जाएगा, ज्यादा स्टाइल नहीं मारने का साइकिल पे। बॉम्बे की वेदर की बात करें तो कल रात यहाँ बारिश हुई थी और डिग्री इस समय यहाँ पर 23 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, यानी नॉर्मली जितना एसी लोग रखते हैं ना उतने पे है पूरे दिन का क्लाइमेट। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारे समय में ना सिर्फ साइकिल होती थी, वो भी साइकिल होती नहीं थी, रेंट करके लाते थे हम। 1 रुपये में कुछ 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा था, ठीक से याद नहीं है। और उसको हम इतना ढूंढ के चलाते थे ना कि ऐसा लगता था कि 2 घंटा जो है ना वो ख़त्म ना होने पाए, मतलब सांस नहीं लेते थे चलाते वक्त। और ईयर गियर क्या होता है ये तो मुझे आज तक पता नहीं, क्योंकि अब तो उससे कांटेक्ट होता नहीं। मगर आज की जनरेशन को अच्छी तरह पता है कि गियर वाली साइकिल क्या है, उसके बेनिफिट क्या है। मगर मैंने मैक्सिमम सुना है कि गियर वाली जो साइकिल होती है वो ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। तो मैं प्रेफर तो करूँगी बिना गियर वाली, मगर बाबू माना नहीं इसलिए लेना पड़ा। और बच्चों का देख के ये भी एक्साइटेड था कि इसको गियर वाली साइकिल चाहिए। मगर अगर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो मेरे हिसाब से बिना गियर वाली साइकिल का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। ये तामझाम वाले में ना बड़े नखरे होते हैं। गियर वाली साइकिल के चोरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं,
बिना गियर वाली में थोड़ी कम, मगर चोरी दोनों होती है। और दूसरी बात, बिना गियर वाली साइकिल सस्ती आती है और गियर वाली साइकिल महंगी भी रहती है। बच्चे अपने वार्तालाप में बिजी हैं, इसमें मेरा बाबू भी है, साइकिल छोड़ के मीटिंग अटेंड कर रहा है। शाम का समय है, 7 बज रहा है, मौसम बहुत ही सुहाना है। एज़ यूज़ुअल मैंने वहाँ प्रभु को बताया ही था, और चाय के साथ, ग्लास में चाय, ठंडी में ना ग्लास में ही चाय अच्छी लगती है। अब बाहर के हालात बताओ ना, तो बहुत मस्त वाली ठंडी चल रही है, क्योंकि बाहर हवा भी है, तो मुंबई वालों के लिए तो भाई विन विन सिचुएशन चल रही है। फाइनली चाय पानी तो हो गया, बाबू भी खेल के आ गया है, वहाँ से खेल के हो जाता है तो यहाँ आके अपना फटाफट मोबाइल में लॉग इन हो जाता है। कौन सा गेम चल रहा है बाबू? जो मैं खेलता हूँ। कौन सा? जो मैं खेलता हूँ। नाम तो बता। जो मैं खेलता हूँ। अरे नाम तो बता। फ्री फायर बाबू खेल रहा है फ्री फायर। मैंने चाय पी ली, जो क्लीनिंग वगैरह थी किचन की वो कर ली, शाम के लिए खाना भरपूर पड़ा है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो अब कुछ ज़रूरी काम करती हूँ जो मुझे करना है, तो चलो नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो 7:30 ही हो रहा है। दोस्त को बुला रहा है ऑनलाइन, ये तो हालात है, ये ऑनलाइन गेम चालू करके ना और बच्चों को पगला दिया है लोगों ने। फाइनली आज का काम होता है खत्म, और मंडे से ना महाराष्ट्र में स्कूल खुलने की अनाउंसमेंट हुई है, देखते हैं क्या अपडेट होता है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। हैव अ नाइस डे।